नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। कानपुर, बुधवार को गोविंदनगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने और समाज का सहयोग जोड़ने के लिए सेमिनार का आयोजन किया। पहले सेमिनार को सरस्वती इंटर कॉलेज विजयनगर में महिला शिक्षकों के बीच में तथा दूसरा सेमिनार राजकीय इंटर कॉलेज गल्ला मंडी चौराहे पर पुरुष शिक्षकों के बीच में तथा तीसरा सेमिनार रामलला इंटर कॉलेज रावतपुर में अभिभावकों एवं जनसामान्य के बीच में सेमिनार का आयोजन किया गया। तीनों आयोजनों में गोविंदनगर विधानसभा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने मुख्य अतिथि के रूप में अपना उद्बोधन दिया। सेमिनार में विधायक ने कहा कि पहली और दूसरी दोनों ही लहरों में भारत सरकार और प्रदेश सरकार के बेहतर प्रबंधन के नाते से कोरोना में विजय भी प्राप्त की गई। तीसरी लहर से बचाव के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन अवश्य करें, कहीं हमारी लापरवाही ही हमारे लिए बड़ी संकट के रूप में ना आ जाए। सेमिनार में प्रमुख रूप से विधायक सुरेंद्र मैथानी के साथ शैलेंद्र द्विवेदी, राहुल मिश्रा, ब्रजभूषण मिश्र, रमेश चंद्र पांडे भी उपस्थित रहे। इसी क्रम में हम लोगों ने सेमिनार करने का एक योजना बनाई, एक कोविड के अवेयरनेस को लेकर। तीन प्रकार के घटनाओं पर आपसे करना है, आपसे चर्चा करनी है और जिसके लिए समाज की रक्षा के लिए हम सब लोग अपने प्रभाव प्रभुत्व अपने प्रभाव से अपने उस संपर्क संबंधों से जो लोग हमारी उसी क्रम में सेमिनार के माध्यम से आपसे ये चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ और इस भरोसे के साथ कि चूँकि सिखने और आप लोगों ने भी आज गुरु है, गुरु की ना कोई जाति होती है, ना कोई गुरु होती है, ना उनका कोई धर्म होता है। उनका केवल धर्म वैसे तो धार्मिक होता है लेकिन धर्म के आधार पर उनके कोई निर्णय नहीं है। तो गुरु की मान्यता, गुरु की सर्वसम्मान और गुरु के निर्देश का पालन करना और जीवन में आपके साथ करना, ये एक हम सब लोगों का स्वभाव है, हमारी एक व्यवस्था है, हमारी एक चली आ रही परंपरा है, जिसके आधार पर आज इस मोदी जी और योगी जी के चिंतन को आप सबके माध्यम से समाज को उस पर तक पहुँचाने का निवेदन। कोरोना की लहर आई, तीन लहर इसलिए संभावना कही जा रही है। पहली लहर आई जो लगभग 8-8.5 माह रही, उस पहली लहर में अगर हम उदाहरण देखें, कम समय में बात को पूर्ण करना चाहेंगे, बाद में उसकी स्वीकारोक्ति कोरोना से हमारे देश में 2 लाख मरे। अमेरिका की स्वीकारोक्ति करता हूँ कि 2 लाख लोग हमारे जो कोरोना वायरस आया उससे मरे। पहली लहर में पहली प्रारंभिक की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक उसके विपरीत कम संसाधनों से मोदी जी ने इस देश में अपनी बाइक से सब कुछ जोड़कर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे प्रकाश का कार्यक्रम हुआ, चाहे घंटा घड़ियाल का कार्यक्रम हुआ, पूरे देश के नागरिकों को जोड़ा होता लॉकडाउन के माध्यम से इस कोरोना को हराने में सफलता प्राप्त की। यानी एक अच्छा प्रबंधन जिसको पूरे विश्व ने सराहा। बहुत सारे मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए कोई भी ऐसे नहीं होंगे जिनके कहीं कोई संपर्क में किसी के परिवार या किसी के रिश्तेदार, किसी के मित्र, किसी के क्षेत्र में कि कहीं कोई कोरोना की इस दूसरी लहर में डेथ ना हो रही हो और हमारे परिजन ना होगा। हम सब उनके प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, शिक्षकों के लिए भी, तमाम सरकार। खबर समय जगत के लिए कानपुर से ब्यूरो चीफ मुकेश दीक्षित की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।